नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस कार्यक्रम के इस प्लेटफॉर्म पे। मैं पवन सिंह आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, अपनी अंतिम कक्षाओं में हम लोगों ने अलंकार के विषय को प्रारंभ कर लिया था और उसके अंतर्गत हम लोगों ने शब्दालंकार के प्रमुख भेद के जो दो अलंकार होते हैं जिसमें अनुप्रास और यमक है, उसका अध्ययन कंप्लीट कर लिया था। आइए आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग शब्दालंकार के एक महत्वपूर्ण प्रकार या भेद श्लेष अलंकार से अपनी चर्चा को प्रारंभ करते हैं। श्लेष अलंकार, साथियों, श्लेष शब्द जो होता है इसका शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ। का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ। तो हमेशा की तरह जैसे कि हम आपको बोलते हैं कि किसी भी चीज को अगर जानना हो तो वो शब्द हिंदी में जो है, हिंदी के बारे में हमें अगर किसी चीज की जानकारी करनी हो तो जो शब्द होता है अगर आपको उसका अर्थ पता होता है तो चीजें आपके लिए होती काफी आसान हो जाती हैं। इसी कड़ी में हम देखते हैं कि श्लेष का यहां पे शाब्दिक अर्थ हमने लिया चिपका हुआ। अब देखिए ये परिभाषा को किस प्रकार से परिभाषित करेगा उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। आइए सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं हम लोग। परिभाषा इसकी क्या कहती है? परिभाषा इसकी कहती है कि जब किसी काव्य में एक ही बार प्रयुक्त हो तथा उसके भिन्न भिन्न अर्थ प्राप्त हो, भिन्न भिन्न अर्थ प्राप्त हो, तो ऐसा अलंकार जो होगा वो किस नाम से जाना जाएगा? श्लेष अलंकार के नाम से जाएगा। अब देखिए यहां से इसको हम कैसे निकालेंगे, जो हमने कहा कि चिपका हुआ। अब देखिए चिपका हुआ को हम कैसे परिभाषित करेंगे? जब भी हम किसी काव्य को पढ़ेंगे तो वहां पे देखिए इसकी परिभाषा क्या करेंगे कि शब्द का जो प्रयोग होगा वो कितनी बार होगा? एक बार होगा, ठीक है ना। यानी परिभाषा के संदर्भ में जब हम देखेंगे तो वहां शब्द आ रहा होगा एक बार और उसके जो अर्थ होंगे वो क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। अगर हम इसका तुलनात्मक अध्ययन करें तो हम लोगों ने अपनी अंतिम कक्षा में पढ़ा था यमक अलंकार। अब जरा देखिए हम इसको देखते हैं कि इसकी भिन्नता किस प्रकार से है। यमक अलंकार में जब हम लोगों ने पढ़ा था तो वहां जो शब्द था वो कितनी बार आ रहा था? शब्द आ रहा था एक से अधिक बार, ठीक। और एक से अधिक बार आने के बाद उस शब्द के अर्थ क्या थे? अलग अलग। शब्द क्या थे? अलग अलग। ठीक है ना। ये किसकी परिभाषा थी हमारी? यमक की। यमक की परिभाषा क्या कहती थी? कि शब्द जो होगा किसी काव्य में वो एक से अधिक बार आएगा, समान शब्द एक से अधिक बार आएगा और उसके अर्थ जो होंगे वो क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। जबकि हम जब श्लेष अलंकार की चर्चा करते हैं तो श्लेष अलंकार में देखिए इसकी विशेषता क्या है? शब्द जो होगा वो कितनी बार आएगा? एक बार आएगा। शब्द का प्रयोग कितनी बार होगा? एक बार होगा।
परंतु शब्द के अर्थ क्या होंगे, उस शब्द के जो अर्थ होंगे वो अलग अलग होंगे, ठीक है ना। यानी एक ही शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ प्रयोग होंगे। यही चीज है यहाँ पे कि एक बार शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ, यानी जो भिन्न अर्थ होंगे वो क्या होंगे, इस शब्द से चिपके हुए होंगे, ठीक है ना। ये अर्थ क्या होंगे, एक शब्द से चिपके होंगे, यानी एक ही शब्द के कई अर्थ को हम यहाँ पे किस रूप में डिनोट करते हैं, चिपके हुए के रूप में, किसमें चिपके हुए। इसी कारण इस अलंकार का नाम क्या पड़ा, श्लेष अलंकार, श्लेष। एक्चुअल में वास्तव में जब हम देखते हैं तो ये श्लेष शब्द जो है वो संस्कृत के श्लिष्ट शब्द से बना है, किससे बना है, श्लिष्ट शब्द से। श्लिष्ट का हिंदी में अर्थ ही होता है क्या, चिपका हुआ। श्लिष्ट का हिंदी में क्या अर्थ होता है, चिपका हुआ, ठीक है। तो इसकी इस प्रकार से इसकी परिभाषा जो है वो यहां पे आप लोगों को स्पष्ट हो गई होगी कि श्लेष अलंकार क्या होगा, यानी उस काव्य में हम क्या देखेंगे कि जो अर्थ होगा, जो अर्थ होगा वो क्या, कई अर्थ मिलेंगे। जो शब्द होगा, शब्द का प्रयोग कितनी बार हो रहा होगा, एक बार होगा, लेकिन उसके अर्थ क्या होंगे, भिन्न भिन्न अर्थ मिल रहे होंगे। तो ऐसा जो अलंकार होगा वो हमारा किस नाम से जाना जाएगा, श्लेष अलंकार के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। आइए इसके अर्थ पे हम लोग चर्चा करते हैं, इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण इसका बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है इसका, एक उसी से हम लोग प्रारंभ करते हैं अपनी चर्चा। उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सबसून। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सबसून, और पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून, ठीक है। यह रहीम दास जी का बहुत प्रसिद्ध और चर्चित दोहा है, ठीक है, जिसमें कि श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है, ठीक है। साथियों आइए इसकी व्याख्या के माध्यम से हम समझते हैं कि किस प्रकार से ये जो हमारा उदाहरण है इसमें हम लोगों ने श्लेष अलंकार का प्रयोग किया है, ठीक है। तो सामान्यतः जब भी हम लोग किताबों में इसको पढ़ते हैं तो देखते हैं ये उदाहरण लिखा होता है और नीचे व्याख्या के रूप में लिख देते हैं कि उपयुक्त दिए गए उदाहरण में पानी शब्द में श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है, पानी शब्द में श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो जब प्रारंभिक स्तर पे हम लोग अपनी पढ़ाई को प्रारंभ करते हैं तो जब इस उदाहरण को छात्र देखता है तो उसके मन में एक संदेह उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि इस उदाहरण को पढ़ते समय और अलंकार की परिभाषा को पढ़ते समय दोनों भिन्न चीजें दिखाई देती हैं। अब वो कैसे दिखाई देती हैं, आइए उसको देखने का प्रयास करते हैं। जब परिभाषा छात्र पढ़ता है तो वहां वो एक चीज पढ़ता है कि काव्य में जो शब्द आएगा वो कितनी बार आएगा, एक बार आएगा। शब्द कितनी बार आएगा, एक बार आएगा, परंतु उसके अर्थ क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। उसके अर्थ क्या होंगे, अलग अलग मिलेंगे। तो उदाहरण को वो परिभाषा के माध्यम से समझने का प्रयास करता है। तो देखिए जब यहां पे देखता है तो वहां उदाहरण की व्याख्या में लिखा पढ़ता है वो कि जो भी काव्य है, जो भी उदाहरण है दिया गया, उसमें क्या लिखा है कि दिए गए काव्य में पानी शब्द में क्या है, पानी शब्द में क्या है, श्लेष अलंकार है। तो वहां पे जब पढ़ता है तो छात्र देखता है कि यहां पे देखिए पानी एक बार आया, पानी दो बार आया और पानी तीन बार आया, ठीक है ना। तो अब इस उदाहरण में देखिए पानी शब्द की जो आवृत्ति हो रही है
वो दो बार हो रही है, यानी उसका प्रयोग जो है वो तीन बार हो रहा है। जबकि परिभाषा हमसे क्या कहती है, परिभाषा हमसे कहती है कि वहां पे शब्द कितनी बार आना चाहिए, एक बार आना चाहिए। तो बर्बरसी छात्र के मन में क्या होती है, ये उत्कंठा हो जाती है कि ये तो उदाहरण हो नहीं सकता, ठीक है ना। तो क्या हम इसको मान करके चले कि यह श्लेष अलंकार का उदाहरण नहीं है, ठीक, वो भी उचित नहीं है, क्योंकि यह उदाहरण हमारा श्लेष अलंकार का ही है। दिक्कत जो आती है वो यहां पे आती है उसकी व्याख्या में। तो उसकी व्याख्या को समझते हम लोग, तो अगर हम इसको ठीक प्रकार से कहेंगे तो यहां पे इस प्रकार से कहेंगे कि उपयुक्त दिए गए उदाहरण में काव्य की जो दूसरी पंक्ति है, अब जरा इसको देखिए। अब हम बात सिर्फ किसकी करेंगे, इस पंक्ति की करेंगे कि पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। अब जरा यहां से देखिए तो इस पंक्ति में पानी शब्द कितनी बार आया है, इस पंक्ति में अगर बात करें तो यहां पे पानी शब्द कितनी बार आया है, सिर्फ एक बार आया। तो साथियों इसकी व्याख्या को आप स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करें कि उपयुक्त उदाहरण में श्लेष अलंकार का प्रयोग तो हुआ है, लेकिन वो श्लेष अलंकार का प्रयोग कहां पे हुआ है, वो श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है इस दूसरी पंक्ति में जो पानी शब्द प्रयुक्त हुआ है वहां पर, किसका प्रयोग हुआ है, श्लेष अलंकार का, ठीक है ना। यानी अगर हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि दूसरी पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में प्रयुक्त पानी शब्द में, कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार। पानी शब्द में कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार। अब देखिए पानी शब्द में श्लेष अलंकार कैसे है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं इसकी व्याख्या। तो दोहा हमारा क्या कहता है, रहिमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। पानी की महत्ता को परिभाषित करते हुए रहीम दास जी कहते हैं कि पानी का मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, बहुत ही महत्वपूर्ण है पानी मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के जीवन में, ठीक है ना। अगर मनुष्य के जीवन में पानी नहीं है, ठीक है ना, यानी पानी की महत्ता, अगर पानी नहीं है तो पानी के बिना क्या है, सब कुछ, पूरा संसार जो है वो क्या होगा, सूना होगा। और उसी चीज को परिभाषित कैसे करते हैं कि पानी गए न उबरे, यदि पानी नहीं है तो उसकी उबरे का मतलब होता है उन्मुक्ति प्राप्ति, ठीक है ना। पानी से ही हमें क्या क्या प्राप्त होता है, पानी के अभाव में हम इन चीजों को नहीं प्राप्त कर सकते। किन चीजों को नहीं प्राप्त कर सकते, वहां पे देखिए, पानी गए न उबरे मोती, ठीक है, मोती। मोती कैसे होता है, अब याद है कि मोती के संदर्भ में पानी का क्या महत्व है, देखिए मोती के संदर्भ में पानी का क्या महत्व है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मोती जो होता है वो सीपी से पाया जाता है, ठीक है ना, सीपी से पाया जाता है। और सीपी का एक गुण होता है कि सीपी जो है वो जल की सिर्फ एक बूंद को ग्रहण करती है, जल की एक बूंद को ग्रहण करती है, और उस बूंद को ग्रहण करने के लिए वो बहुत समय तक इंतजार करती है, ठीक है ना। और वो बूंद जिसको वो ग्रहण करती है वो कहां से प्राप्त होती है, वो बूंद उसको प्राप्त होती है अनुराधा नक्षत्र से, ठीक है ना। यानी सीपी क्या करती है, आसमान की ओर मुंह निहार करके सिर्फ उस एक बूंद की, अनुराधा नक्षत्र में गिरने वाली पानी की बूंद की इंतजार करती है, जिसको ग्रहण करके वह तृप्ति करती है, जिससे क्या होती है, मोती की उत्पत्ति होती है, जिससे क्या होती है, मोती की उत्पत्ति होती है। तो यानी मोती की उत्पत्ति के संदर्भ में, मोती के संदर्भ में यहां पे पानी की परिभाषा दी गई है, यानी मोती के संदर्भ में यहां पानी की जो परिभाषा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, चमक से हो जाएगी, किससे हो जाएगी, चमक से हो जाएगी। यानी सीपी में जो मोती पाया जाता है, ठीक है ना, मोती कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जब उस पे ये अनुराधा नक्षत्र की बूंद का पानी गिरता है, पड़ता है, तो उस मोती की जो चमक होती है
वो विशेष चमक उसमें आ जाती है और उस विशेष चमक के कारण वो मोती जो होता है वो बहुमूल्य हो जाता है। क्या हो जाता है? बहुमूल्य हो जाता है। तो यहां पर इस मोती के संदर्भ में ये पानी का जो अर्थ हुआ वो क्या हो गया? चमक हो गया। एक अर्थ पानी का क्या मिला? चमक मिला। दूसरे संदर्भ में जब मनुष्य के अर्थ में हम इसकी बात करते हैं, मनुष्य के संदर्भ में हम पानी की बात करते हैं, तो देखिए हम एक मुहावरे के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। सामान्यतः जब कभी एक आदमी दूसरे आदमी पर तंज कसता है, ठीक है, तो उसको कहता है कि कैसा बेशरम आदमी है, इसकी आंखों का पानी मर गया है क्या, है ना, इसकी आंखों का पानी मर गया है क्या। अब यहां पे पानी मरने का अर्थ क्या है? पानी मरने का अर्थ क्या जल खत्म हो गया है? नहीं, पानी मरने का अर्थ यहां पे मनुष्य के संदर्भ में हो जाता है उसकी प्रतिष्ठा से, उसकी प्रतिष्ठा से, अथवा उसका सम्मान, उसका सम्मान, यानी एक अपमानित, अपमानित करने का प्रयास होता है। जैसे हमने किसी को कहा तुम्हारी आंखों का पानी मर गया है, तो यानी अब क्या रहा, तुम्हारी कोई प्रतिष्ठा नहीं बची, तुम्हारी आंखों में कोई सम्मान नहीं बचा, ठीक है ना। तो मनुष्य के संदर्भ में पानी शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा? यहां पानी शब्द का अर्थ हो जाएगा प्रतिष्ठा अथवा सम्मान। और तीसरे सामान्य अर्थ में जब चूने की बात करेंगे तो चूने के अर्थ में पानी अपना सामान्य अर्थ देगा जो होगा क्या? जल। यानी जब भी हम देखते हैं कि चूना जो दीवारों पर लगाने वाला होता है तो उसको जब हमें रंगना होता है तो हम लोग चूना ला करके क्या कर देते हैं? उसमें पानी को भर देते हैं, पानी को भर देते हैं, जिससे वो चूना क्या होता है? उबरा, मतलब फूल जाता है, हमारे काम करने योग्य हो जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से देखिए यहां पे पानी शब्द एक बार प्रयोग हो रहा है, एक बार पानी शब्द प्रयोग हो रहा है, लेकिन वह अपने भिन्न भिन्न अर्थों को प्रदान कर रहा है। जब वो मोती के साथ आता है, जब वो मोती के साथ आता है तो उसका एक भिन्न अर्थ मिलता है, उसका एक भिन्न अर्थ मिलता है जो क्या होता है? चमक। पानी का अर्थ क्या मिलता है? चमक। दूसरा, जब वो मनुष्य के संदर्भ में बात करते हैं तो मनुष्य के संदर्भ में वो क्या बन जाता है? पानी का अर्थ हमें मिलता है प्रतिष्ठा अथवा सम्मान से। और तीसरे अर्थ में जब हम चूने के संदर्भ में बात करते हैं तो चूने के संदर्भ में उसका अर्थ हमें क्या मिलता है? जड़ सामान्य, उसके अर्थ को हम प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहां पर कौन सा उदाहरण हो गया, यहां पर कौन सा अलंकार हो गया? यहां पर हमारा श्लेष अलंकार हो गया, ठीक है साथियों। आइए एक और उदाहरण हम लोग देखते हैं और उसके माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। कि मंगन को देख पट देती बार बार, मंगन को देख पट देती बार बार, ठीक है ना। अब सामान्य अर्थ में अगर इस लाइन को हम देखने का प्रयास करें तो यह पंक्ति हमारा क्या कह रहा है? यहां पे एक स्त्री की बात कह रहा है, बात हो रही है, और उस स्त्री के द्वारा जो क्रिया हो रही है वो क्या हो रही है? यहां पे पंक्ति में वो कह रहा है कि जब कोई मांगने वाला दरवाजे द्वार पे आता है तो उस मांगने वाले को देख करके, उसकी विनती, उसकी याचना को सुन करके जो स्त्री है वो पट क्या करती है? बार बार दे देती है, पट बार बार दे देती है। तो यहां पे पट के, ये पट जो शब्द है, इस पट के यहां पे दो अर्थ मिलते हैं, इस पट के यहां पे दो अर्थ मिलते हैं। अगर उन दो अर्थों को हम देखें तो इसका पहला अर्थ क्या हो जाएगा? एक पट का अर्थ होता है वस्त्र अथवा कपड़ा। जब हम कपड़े के पर्यायवाची पढ़ते हैं तो कपड़े के पर्यायवाची के हम लोग के रूप में हम लोग वहां पे वस्त्र, वसन, पट, अंबर, इन सब का जिक्र करते हैं। तो यहां पे एक अर्थ आपका क्या मिलेगा? पट का वस्त्र मिलेगा। तथा पट का जो दूसरा अर्थ हमें प्राप्त होगा वो क्या होगा? दरवाजा प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? दरवाजा प्राप्त होगा, ठीक है साथियों। तो इस प्रकार से देखिए, अब यहां पे जब हम एक बार पट को वस्त्र के संदर्भ में देखेंगे तो इसका अर्थ कुछ और मिलेगा, और जब एक बार हम इसका दरवाजे के संदर्भ में देखेंगे तो इसका अर्थ हमें और मिलेगा। यानी यहां पे अगर हम देखेंगे
तो दान देने की प्रवृत्ति दिखाई देगी, यानी स्त्री का स्वभाव जो होगा वो कैसा होगा, दान देने का स्वभाव होगा, दान देने का स्वभाव है ना। और यहां पर अगर हम देखेंगे तो यहां पर दरवाजा देने का मतलब दरवाजा बंद करना, तो यहां पर जो होगा वो दान ना देने का स्वभाव, दान ना देने का स्वभाव यहां पे हमें क्या मिलेगा, स्त्री का प्राप्त होगा। तो यहां पे देखिए एक शब्द से हमें क्या, उसके अलग 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 अलग, यानी इस पंक्ति का पूरा भाव ही क्या है, उस शब्द के अर्थ के आधार पर परिवर्तित हो रहा है। जब हम यहां पे वस्त्र देखते हैं तो उसका अर्थ क्या बनता है कि मांगने वाले को देख करके स्त्री के मन में उसके प्रति क्या दयालुता की या उदारता की या दानवीरता का जो भाव है वो जागृत हो जा रहा है, और वो क्या कर रही है कि बार बार उनको क्या कह रही है, वस्त्र दान में दे रही है। मंगन को देख पट देती बार 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 वो क्या कर रही है, उनको वस्त्र का दान कर रही है, उन्हें अनेकों प्रकार से दान प्रदान करके उन्हें क्या कर रही है, उन्हें लाभान्वित कर रही है। ठीक है, दूसरे संदर्भ में जब हम इसकी व्याख्या देखते हैं तो वहां पे क्या है कि जब कोई मांगने वाला स्त्री को दिखाई देता है तो देख करके वो क्या ईर्ष्यावश या जुझलाहटवश, क्योंकि उसके अंदर ये दानवीरता का गुण जो है वो क्या है, नहीं पाया जा रहा है, तो उस कारण वो क्या कर रही है, जैसे ही देख रही है या उनके स्वर को सुन रही है तो देख करके वो क्या कर रही है, अपना जो दरवाजा है उसको क्या बंद कर दे रही है, बंद कर दे रही है। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसके पट के दो अर्थ मिल रहे हैं, और दो अर्थ यानी शब्द का प्रयोग यहाँ पे कितनी बार, शब्द का प्रयोग यहाँ पे एक बार, और उसके क्या अर्थ एक से अधिक मिलने के कारण यहाँ इस काव्य में कौन सा अलंकार हो जाएगा, श्रेष्ठ अलंकार हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से अन्य बहुत से एग्जाम्पल है श्लेष अलंकार के, और परीक्षा के दृष्टिकोण से ये सबसे महत्वपूर्ण अलंकार होता है। और कुछ अर्थों में कहें तो ये भी उचित होगा कि ये अलंकार जो होता है अन्य की अपेक्षा थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि इसको पहचानने के लिए फिर वैसे ही आपका जो हिंदी व्याकरण का शब्दकोश है वो बहुत ज़्यादा विस्तृत होना चाहिए, यानी अगर आपको शब्दों के अनेकार्थी शब्दों पर पकड़ है तो आप इसको आसानी से क्या करते कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से साथियों शब्दालंकार के जो मूल तीन भेद थे उस पर हम लोग अपनी चर्चा समाप्त कर चुके हैं। आइए आज हम लोग अलंकार के एक दूसरे महत्वपूर्ण प्रकार अथवा भेद से अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जो कि क्या है, अर्थालंकार। अर्थालंकार, ठीक है, तो साथियों इसकी परिभाषा को हम पहले ही जान चुके हैं, अर्थालंकार की परिभाषा क्या कहती है, तो उसको जानने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको क्या कर लेंगे, शब्द को, इस शब्द को तोड़ लेंगे या इसका विच्छेद कर लेंगे, तो शब्द हमें मिलेगा अर्थधन अलंकार, अर्थधन अलंकार। यानी जब किसी काव्य में सुंदरता जो होती है वो उस काव्य के अर्थ के कारण पाई जाती है, यानी किसी काव्य की सुंदरता में जो वृद्धि का कारक होता है वो उस काव्य का अर्थ यदि होता है, तो इस प्रकार का जो अलंकार काव्य में प्रयुक्त होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, अर्थालंकार के नाम से जानते हैं। ठीक है साथियों, अर्थालंकार के अंतर्गत हम लोगों ने बहुत से उसके उदाहरण भेद पढ़े थे, उन्हीं भेदों का आज हम अपनी चर्चा में प्रारंभ करते हैं, जिसके अंतर्गत इसका सबसे पहला प्रकार जो है उसकी हम लोग चर्चा आज करेंगे, जो कि क्या है, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, ठीक है, तो आइए इसकी परिभाषा को देखते हैं, और परिभाषा को देखने से पहले सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसका शाब्दिक अर्थ, उपमा का शाब्दिक अर्थ। तो साथियों उपमा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है तुलना, उपमा का शाब्दिक अर्थ होता है तुलना। अब देखिए जैसे ही हमें इसका अर्थ पता चला तो हमारे मन में तुरंत एक चीज आई कि अगर तुलना इसका शाब्दिक अर्थ होता है तो तुलना के लिए कम से कम हमारे पास दो चीजें अथवा दो वस्तुएं अथवा दो व्यक्ति हमारे पास होने चाहिए,
ठीक है। यानी अगर किसी एक व्यक्ति की किसी अन्य व्यक्ति से अथवा किसी वस्तु की किसी अन्य वस्तु से अथवा किसी व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु से, देखिए संभावनाएं क्या है, संभावनाएं यहां पे यही हो सकती है कि मनुष्य और वस्तु से तुलना हो, ठीक है ना। अब वो तुलना कैसे हो सकती है, वो तुलना हो सकती है मनुष्य की मनुष्य से, वस्तु की वस्तु से, अथवा मनुष्य की वस्तु से, ठीक है ना। ये तीन प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे हम उपमा अलंकार की जो परिभाषा हम देंगे वो इसी के आधार पे देंगे, यानी ऐसा अलंकार, ऐसा अलंकार, इसकी परिभाषा पे चर्चा करते हैं हम लोग। परिभाषा इसकी क्या बनेगी, ऐसा अलंकार जहां जहां किसी एक व्यक्ति अथवा वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति अथवा किसी अन्य व्यक्ति अथवा वस्तु से की जाए, तो ऐसा अलंकार जो हमारा होगा, ठीक है ना, यानी एक व्यक्ति अथवा वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति अथवा वस्तु से की जाए, तो ऐसा अलंकार जो हमारा होगा वो क्या कहलाएगा, उपमा अलंकार कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उपमा अलंकार कहलाएगा, ठीक है साथियों। तो अब यहां पे महत्वपूर्ण हो गई कि काव्य में आपको उसका अर्थ जानना। देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ये भेद है किसका, अर्थ अलंकार का। तो सामान्य रूप से हम कहेंगे आपके सामने इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका जो होता है वो क्या हो सकता है कि अगर उसको काव्य को आपको अर्थ को जान पा रहे हो तो उस अर्थ के आधार पे आप क्या निकालोगे, उसको अलंकार का प्रकार जो है वो पहचान लोगे। लेकिन साहित्य में सैकड़ों अनगिनत एग्जांपल आपके सामने मिलते हैं, ठीक है ना। तो वहां पे आप कितने उदाहरणों को पढ़ोगे या कितनों का अर्थ जानोगे, ठीक है ना। सभी दोहों का, सोठों का या जो भी उदाहरण है उनका अर्थ जान पाना आपके लिए संभव नहीं है। तो यहां पे आप इसको कैसे पहचानेंगे, तो उसको पहचानने की भी कुछ तरीके होते हैं, कुछ पहचान होती है, उसी की चर्चा हम आगे अभी इसके संदर्भ में करेंगे। तो साथियों ये हो गई इसकी परिभाषा, जिसमें हमने आपको क्या बताया कि किसी एक व्यक्ति अथवा वस्तु की तुलना किससे, किसी अन्य व्यक्ति अथवा वस्तु से करते हैं। तो देखिए यहां पर आपके सामने एक वस्तु होगी जिसकी तुलना की जाएगी और दूसरी वस्तु होगी जिससे तुलना की जाएगी, ठीक है। तो उसके आधार पे साथियों उपमा अलंकार के चार अंग होते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और पेपर में ये अंग भी सीधे सीधे प्रश्न के रूप में आपसे पूछ ले जाते हैं, ठीक है। तो आइए इसके अंगों पे चर्चा कर ले। कई बार तो पेपरों में सीधे सीधे पूछ दिया गया है कि उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं, उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं, सीधे सीधे पेपर में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है ना। तो साथियों उपमा अलंकार के जो अंग होते हैं उनकी संख्या होती है चार। उपमा अलंकार के जो अंग होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, चार होती है, ठीक है। आइए अब इसी पे अपनी चर्चा करते हैं कि उपमा अलंकार के अंग कौन कौन से होते हैं। तो उपमा अलंकार का जो पहला अंग होता है वो कहलाता है उपमेय, ठीक है ना। पहला अंग क्या कहलाता है, उपमेय।
दूसरा अंग इसका जो होता है वो कहलाता है उपमान, दूसरा अंग कहलाता है उपमान, तीसरा अंग जो इसका होता है वो कहलाता है वाचक शब्द, और उपमा अलंकार को पहचानने के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण होता है वाचक शब्द। साथियों, हम जब इसके अभी चर्चा करेंगे तो हम बताएंगे कि सिर्फ वाचक शब्दों को देख करके यदि आपको वाचक शब्दों की पहचान है या आपको वाचक शब्द ठीक प्रकार से याद है तो सिर्फ उन्हीं की सहायता से आपको काव्य का अर्थ मालूम हो अथवा ना मालूम हो, आप सीधे सीधे अलंकार की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, अर्थालंकार के जितने भी भेद होंगे आगे आने वाले उदाहरणों में, अधिकांश में क्या होगा, वाचक शब्द आपका महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है ना, अगर आप वाचक शब्दों की पहचान कर पाते हैं तो आप सीधे सीधे बता पाएंगे कि दिया गया जो उदाहरण है या दिया गया जो पंक्ति है उसमें कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, तो तीसरा इसका महत्वपूर्ण अंग जो होता है उपमा अलंकार का, वो कौन सा होता है, वाचक शब्द, और चौथा इसका अंग जो होता है वो कहलाता है साधारण अर्थ। क्या कहलाता है, साधारण अर्थ। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें क्या उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण अर्थ होते हैं। ठीक है, क्योंकि उपमा अलंकार की अगर वो बात कर रहा है तो उससे संबंधित सारी चीजें जो है वो पेपर में आपसे पूछी जा सकती हैं। पेपर में आपसे उपमेय अलंकार की परिभाषा भी पूछ लेता है कि उपमेय क्या होता है या उपमान क्या होता है, या दूसरे संदर्भ में हम दे दें तो आपके सामने एक पंक्ति दे दी जाएगी उदाहरण की, और उसमें आपसे पूछा जाएगा दी गई पंक्ति में उपमेय की अथवा उपमान की वाचक शब्द अथवा साधारण धर्म की पहचान करें। ठीक है, तो प्रश्न आपका किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, तो उस संदर्भ में आइए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं ताकि जो प्रश्न है हमारा वो हमसे छूटने ना पाए। तो जो उपमेय होता है ये क्या होता है, तो देखिए हमने जब उपमा अलंकार की बात की तो उपमा अलंकार की बात करते समय हमने अब क्या कहा कि उसका शाब्दिक अर्थ जो होता है वो क्या होता है साथियों, उसका शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है तुलना। और तुलना जो होती है वो हमेशा क्या होती है, एक से अधिक, यानी तुलना अगर हमें करनी है तो हमें कम से कम दो लोगों की आवश्यकता होगी। ठीक है, या तुलना हमें करनी है तो हमें कम से कम दो वस्तुओं की आवश्यकता होगी। ठीक है ना, जिसमें हम एक की तुलना करेंगे, ठीक है, और दूसरे से तुलना की जाएगी। ठीक है ना, यानी अगर बात करें इसकी तो इसमें क्या होगा तुलना में कि किसी एक व्यक्ति अथवा वस्तु की किसी दूसरे व्यक्ति अथवा वस्तु से तुलना की जाएगी। तो जब हम उपमेय की बात करते हैं तो उपमेय की परिभाषा यह कहती है कि काव्य में जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाए जिसकी तुलना की जाए, ठीक है ना, वो क्या कहलाता है, उपमेय कहलाता है। यानी अभी उदाहरण के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि काव्य में जिस व्यक्ति अथवा वस्तु की तुलना की जाती है उस व्यक्ति अथवा वस्तु को हम किस नाम से जानते हैं, उपमेय के नाम से जानते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा शब्द होता है उपमान। तो उपमान के लिए महत्वपूर्ण क्या होता है, वो होता है जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए। ठीक है ना, यानी एक व्यक्ति क्या होगा जिसकी तुलना की जाएगी और दूसरा क्या होगा जिससे तुलना की जाएगी। तो जिसकी तुलना की जाएगी वो क्या कहलाएगा, उपमेय, और जिससे तुलना की जाएगी वो कहलाएगा हमारा उपमान। ठीक है ना, अब देखिए वाचक शब्द क्या होता है, तो वाचक शब्द जो होता है वो क्या होता है,
वो तुलना कराने वाला शब्द होता है। तुलना कराने वाला शब्द यानी उपमेय और उपमान के बीच में तुलना कराने के लिए जो शब्द काव्य में प्रयुक्त होगा उसे ही हम किस नाम से जानेंगे? वाचक शब्द के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे? वाचक शब्द के नाम से जानेंगे। और साधारण धर्म जो किसी काव्य में होता है वो होता है वह गुण धर्म जो उपमेय और उपमान में और उपमान दोनों में समान रूप से पाया जाता है। यानी काव्य में प्रयुक्त होने वाला ऐसा गुण जो कि उपमेय में भी हो और उपमान में भी हो उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम साधारण धर्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से उपमा अलंकार के क्या हमारे चार अंग हो गए? उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। उपमेय क्या होता है? काव्य में जिस व्यक्ति अथवा वस्तु की हम तुलना करते हैं वो क्या कहलाता है? उपमेय कहलाता है। उपमान क्या होता है? काव्य में जिस व्यक्ति अथवा वस्तु की तुलना की जाती है या जिससे काव्य में जिससे किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की तुलना की जाती है वो क्या? उपमान कहलाता है। वाचक शब्द जो हमारा होता है वो क्या होता है? उपमेय और उपमान के बीच में तुलना कराने वाला शब्द होता है। जबकि साधारण धर्म क्या होता है? साधारण धर्म में वह विशेषता अथवा गुण अथवा क्वालिटी होती है जो क्या कराती है? जो क्या होती है? उपमेय और उपमान दोनों में समान रूप से क्या होती है? मौजूद होती है। ठीक है ना, तो ये चीज क्या कहलाती है हमारी? ये उपमा अलंकार के चार अंग कहलाते हैं। आइए अब उदाहरण के माध्यम से इन अंगों को हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, बहुत चर्चित एग्जाम्पल है ना, सी मुख चंद्र सम सुंदर, या इसी को दूसरे अर्थों में लिख लें, यही उदाहरण है चंद्र के समान सुंदर है। ठीक है ना, अब ये जो पंक्ति मैंने लिखी है इसी पंक्ति का मैंने नीचे एक प्रकार से अर्थ लिख दिया है कि मुख चंद्र सम सुंदर, इसका अर्थ है मुख चंद्र के समान सुंदर है। ठीक है ना, अब यहां पे हम देखने का प्रयास करते हैं कि देखिए यहां पे तुलना किसकी की गई है? तुलना किसकी की गई है? तो तुलना की गई है यहां पे मुख की। किसकी की गई है? मुख की। ठीक है, तो अब हम यहां पे देखेंगे कि अंग में हमने पढ़ा उपमा अलंकार के कि काव्य में जिसकी तुलना होती है, जिसकी तुलना होती है वह हमारा क्या कहलाता है? वह हमारा कहलाता है उपमेय। तो यानी इस उदाहरण में हमारा उपमेय क्या हो गया?
उपमेय हो गया, या ऐसे लिख लिया हम यहाँ पे, इस उदाहरण में हमारा उपमेय हो गया मुख, क्या हो गया मुख, ठीक है। दूसरी चीज देखिए, मुख की तुलना की किससे गई है, मुख की तुलना हमारी की गई है किससे, मुख किसके समान सुंदर है, मुख किसके समान सुंदर है, तो मुख चंद्र के समान सुंदर है, मुख किसके समान सुंदर है, चंद्र के समान सुंदर है। तो यानी यहां पे मुख की यानी उपमेय की तुलना हमारी जो की जा रही है वो चंद्रमा से की जा रही है, तो जिससे हमारी तुलना की जाती है वो शब्द हमारा कहलाता है उपमान, शब्द हमारा क्या कहलाता है उपमान। तो इस उदाहरण में हमारा उपमान क्या हो जाएगा, चंद्र, उपमान क्या हो जाएगा चंद्र अथवा चंद्रमा, ठीक है ना। अब तीसरा क्या है, तीसरा हमारा आता है वाचक शब्द, तीसरा हमारा क्या आता है वाचक शब्द। और वाचक शब्द की परिभाषा हमने आपको बताई थी कि वो क्या होती है, जो उपमेय और उपमान की तुलना कराता है। अब यहां देखिए मुख और चंद्र, यहां पे उपमेय और उपमान तो हो गए, लेकिन इनकी तुलना कराने वाला शब्द क्या है, यानी मुख कैसा है, मुख कैसा है चंद्रमा के समान है, और चंद्रमा के क्या, चंद्रमा के यानी यहां पे वाचक तुलना कराने वाला जो दोनों में तुलना करा रहा है कि मुख और चंद्र कैसे हैं, तो वो कैसे हैं समान है, तो यहां पे वाचक शब्द के रूप में जो हमारा शब्द प्रयुक्त हो जाएगा वो क्या हो जाएगा समान अथवा सम, समान अथवा सम, यहां पे हम लिख सकते हैं चंद्र अथवा चंद्रमा, ठीक है ना। तो वाचक शब्द के रूप में यहां क्या, यहां पे हमारा सम का प्रयोग हुआ और यहां पे किसका प्रयोग हुआ समान का प्रयोग हुआ। और एक ऐसा गुणधर्म यानी जिसकी हम बात करते हैं क्या, जो कि हमारा क्या होता है साधारण धर्म, जो कि हमारा क्या होता है साधारण धर्म। तो साधारण धर्म की जब हम चर्चा करते हैं तो देखिए साधारण धर्म की परिभाषा में हमने बताया था कि ऐसा गुण धर्म जो कि क्या हो उपमेय और उपमान दोनों में समान रूप से विद्यमान हो, उपमेय और उपमान दोनों में समान रूप से विद्यमान हो। तो साथियों उपयुक्त दोनों पंक्तियों में अगर आप पहचानना चाहें कि ऐसी कौन सी विशेषता है जो दोनों में समान रूप से पाई जाती है या दोनों में समान रूप से पाई जा रही है, तो आप देखिए ये सुंदरता जो है यानी सुंदरता किसकी, मुख की भी विशेषता है कि मुख कैसा है सुंदर है, और चंद्रमा तो विश्व प्रसिद्ध उपमान के रूप में प्रयुक्त होता है, यानी सुंदरता के रूप में हम जब भी किसी का उदाहरण देते हैं या तुलना करने का प्रयास करते हैं या किसी की तारीफ करते हैं तो हम चंद्रमा को ही प्राथमिकता प्रदान करते हैं, सबसे पहले उसका प्रयोग करते हैं। तो यानी चंद्रमा की भी क्या है ये विशेषता है कि वो क्या है सुंदर है, यानी यहां पे ये जो सुंदर शब्द है ये गुण है ये उपमेय और उपमान दोनों की विशेषता को बता रहा है, दोनों की विशेषताओं को परिभाषित कर रहा है। तो यहां पे ये साधारण धर्म जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सुंदर, इसका साधारण धर्म हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो इस प्रकार से यहां देखिए कि हमने क्या पढ़ा कि उपमा अलंकार क्या होगा, कि उपमा अलंकार के चार अंग होंगे, चार अंग होंगे। यानी अब इस उदाहरण की अगर हम बात करें तो देखिए यहां पे हमें उपमा अलंकार के अंग के रूप में एक अंग हमें क्या, एक अंग ये उपमेय मिल गया, एक ये उपमेय मिल गया, चंद्र ये जो क्या उपमान मिल गया, चंद्र जो क्या उपमान मिल गया, ये सम जो है वाचक शब्द के रूप में मिल गया, सम जो है वाचक शब्द के रूप में मिल गया, और ये सुंदर जो है ये साधारण धर्म के रूप में मिल गया, साधारण धर्म के रूप में मिल गया। तो इस प्रकार से हमारा ये जो उदाहरण हो गए उपयुक्त दोनों उदाहरण जो हो गए वो किसके हो जाएंगे, ये दोनों उदाहरण हमारे हो जाएंगे उपमा अलंकार के, ठीक है साथियों। अब बात ये आती है कि सर जी यहां तो चलिए छोटा सा एग्जाम्पल था, सरल सा था, हमने इसका अर्थ निकाल लिया और उसके आधार पर यहां पहचान लिया कि यहां पर उपमा अलंकार हमारा होगा। ऐसे हम कितनी लाइनों के अर्थ पढ़ेंगे, कितनी लाइनों को याद करेंगे, तो पेपर में उसको क्या करें, कोई ऐसा कोई साधारण सा कोई सामान्य सा तरीका हो जिसके माध्यम से हम उपमेय अलंकार को या उपमा अलंकार को पहचान लें। तो वो तरीका आप लोग जान लीजिए कि हमने आपको पहले बताया था कि उपमा अलंकार की पहचान में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होगी वो क्या होगा, वो होगा उसका वाचक शब्द,
ठीक है। वाचक शब्द यानी वाचक शब्द का मतलब होगा उपमेय और उपमान के बीच में तुलना कराने वाला शब्द, उपमेय और उपमान के बीच में तुलना कराने वाला शब्द, ठीक है। तो आप कुछ वाचक शब्दों को लिख लीजिए, जैसे वाचक शब्द के रूप में क्या होगा, जैसे सा सी सो सम सरिस सदृश समान, ठीक है, सा सी सो सम सरिश सदृश समान इमी जीमी, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, देखिए इनको आपको याद रखना है। अगर आप ये याद रख पा रहे हैं तो विश्वास मानिए कि उपमा अलंकार का शायद ही कोई ऐसा उदाहरण हो जो आप ना पहचान पाए, ठीक है। एक प्रकार से जानिए तो ये एक तरीके से ये शब्द जो है ये उपमा अलंकार की पहचान है। ये शब्द क्या है, उपमा अलंकार की पहचान है। अब हम आपको जो बोलना चाह रहे हैं उसको समझने का और ठीक प्रकार से सुनने का प्रयास कीजिए। हम आपसे कह रहे हैं कि दी हुई पंक्ति या दिया हुआ उदाहरण या प्रस्तुत काव्य में अगर कहीं पे भी इन शब्दों का प्रयोग हो जाता है, इन शब्दों का यानी इन शब्दों में से किसी भी एक शब्द का प्रयोग हो जाता है, यानी दिए गए काव्य में आपको सा मिल जाए या सी मिल जाए, सो मिल जाए, सम सरिश सदेश समान इमी जिमी, इनमें से कोई भी शब्द यदि आपको पंक्ति में दिखाई देता है तो आप आंख बंद करके उस उदाहरण में उपमा अलंकार अगर दिया है तो उसको लगा दीजिए, आपका जो उत्तर होगा वो शत प्रतिशत सही होगा, ठीक है ना। यानी अगर किसी दिए गए उदाहरण में इनमें से किसी भी एक शब्द का प्रयोग हुआ है तो वो दिया गया उदाहरण आपका किसका होगा, उपमा अलंकार का उदाहरण होगा, ठीक है ना। तो अब आपने क्या करना है, आपने सारी चीजों को हटा करके सिर्फ इन शब्दों को याद रखना है। किसको, इन शब्दों को याद रखना है। इन शब्दों का प्रयोग अगर किसी काव्य में होता है तो वो उदाहरण आपका किसका हो जाएगा, उपमा अलंकार का उदाहरण हो जाएगा। तो साथियों इस प्रकार आज हमने शब्दालंकार के एक प्रकार श्लेष और अर्थालंकार के एक प्रकार उपमा अलंकार के चर्चा को जो है वो पूर्ण कर लिया है। अपनी आगे की कक्षाओं में हम इसी के अन्य भेद के साथ अपनी चर्चा को प्रारंभ करेंगे। आप सभी लोग सुचारू रूप से अपने अध्ययन को कर रहे होंगे। साथियों चुनाव का जो समय है वो बीत चुका है, अब सरकार जो है वो बहुत तेजी से सक्रिय दिखाई दे रही है, तो आने वाले समय में पेपर के जो होने की संभावना है वो बहुत बढ़ गई है। हो सकता है 2 या 3-4 महीने के अंदर आपके कई पेपर देने का आपको अवसर प्राप्त हो, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप जो अपनी पढ़ाई है उसमें थोड़ा सा और तीव्रता लाएं और तेजी से उसको करें, ताकि जो मौके आने वाले समय में आपको मिलेंगे उसमें आप किसी भी प्रकार की कमी के रहते क्या उनको ऐसा ना हो कि आप उन मौकों को अवसरों को भुना ना सकें। तो जितना भी संभव हो सकता है आप लोग पढ़ें, और अन्य सुझावों के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें, ठीक है। वहाँ पे जो भी आपके सुझाव हों, जो भी आपकी समस्याएं हों, वो क्या आप वहाँ पे हमसे क्या कर सकते हैं, उसको आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, उसकी चर्चा कर सकते हैं। और इनकी अन्य जो शीटें हैं जो भी हम एक्सरसाइजेस कराते हैं उसको करने के लिए आप वहाँ पे टेलीग्राम से उनको उनका जो PDF फॉर्म है उस फॉर्म में वो आप प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के साथ आपसे एक और निवेदन कि आप जो वीडियो है, जो एक ये मुहिम है जो कि मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हों, तो आप उसमें सहभागी बने, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, ताकि ये जो हमारा प्रयास है ये अपनी सफलता को प्राप्त कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी आज की अपनी चर्चा को वार्ता को विराम देता हूँ, इस आशा के साथ कि हम अगली
क्लास में आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। आप सभी को जय हिंद।